सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ जब हम समाचार पत्र या पेपर पढ़ते हैं तो शायद ही हमने इसके पीछे की मेहनत को जाना होगा। आज प्रकाश आज आपको इसके पीछे की मेहनत से अवगत करवाने का प्रयास कर रहा है। सुबह तड़के 4 या 4:30 के समय समाचार पत्र विक्रेताओं की मेहनत आरंभ हो जाती है। सुबह पेपर के बंडल उठाने से लेकर आप तक समाचार पत्र पहुंचाने तक की कमर तोड़ मेहनत का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानियों पर विजय पाना रहता है और ये वितरक इसमें काफी हद तक सफल भी रहते हैं। प्रशासन और सरकार की आंखों से ओझल ये वर्ग अभी तक अपनी बात पहुंचाने या उचित मुकाम हासिल करने में सफल नहीं रहा है, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मांगों को लाने के लिए वितरकों ने कमर कस ली है। बीते रविवार अर्थप्रकाश कार्यालय में अखिल भारतीय वितरक समिति के संयोजक राकेश पांडे और विमल पांडे के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें चंडीगढ़ समाचार पत्र विक्रेता संघ के साथ मोहाली और पंचकुला के वितरकों ने हिस्सा लिया। यहाँ पर वितरकों ने उन्हें आ रही परेशानियों, समस्याओं और अपनी मांगों के बारे में विस्तार से चर्चा की, जबकि कुछ वितरकों ने अपने सुझाव पेश किए कि समाचार पत्र वितरकों को भी उसी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए जैसी पत्रकारों को मिलती है। पत्रकारों को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए, हम इसकी आवाज उठाने के लिए आए। और हमारा ऑल इंडिया न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इसका 27 जनवरी 1918 को जम्मू के कटरा में इसकी स्थापना हुई थी। संगठन के राष्ट्रीय स्तर का पहला संगठन है कि हमारे विमल पांडे जी बरेली के अध्यक्ष हैं, बब्बर चौहान इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमने इसका जो सलाहकार बनाया है सर, ये जो आपने क्या जरूरत पड़ी राष्ट्रीय स्तर पे वितरकों को ले जाने की? वितरकों की आवाज़ अब तक किसी सरकार के कानों तक पहुंची नहीं है। वितरकों की अपनी आवाज़ उठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होना पड़ेगा, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी और अपनी आवाज़ लोकसभा और विधानसभा के सदन में उठानी होगी। तो सर क्या क्या किया जा रहा है इस आवाज को विधानसभा संसद तक पहुंचाने के लिए? जो राष्ट्रीय स्तर पर संस्था बनाई है, क्या किया है? हमारा पहला प्रयास होगा 15 अक्टूबर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन है, इस दिन से हम लोग एक आंदोलन शुरू करेंगे। और इस आंदोलन के तहत पहले चरण में हमारे संगठन द्वारा ऑल इंडिया न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बर चौहान की ओर से लोकसभा के जो 542 सांसद हैं और राज्यसभा के सांसद हैं इनको हम लोग एक पत्र देंगे। वितरक समाज की दुर्दशा और वितरक समाज की मूलभूत सुविधाओं की मांग के लिए, उनके वाजिब हकों की मांग के लिए एक ज्ञापन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि उस लोकसभा सदन में वो वितरक समाज के हित में कल्याणकारी सुविधाएं दिलाने के लिए सरकार से आग्रह करें। वो मांग सर क्या सुविधाओं की मांग है? हमारी मांग है समाचार पत्र वितरकों को कॉलोनी प्लाट मिलने चाहिए, समाचार पत्र वितरक परिवार के बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, समाचार पत्र वितरक समाज की बहन बेटियों के विवाह में शासन की ओर से अनुदान मिलना चाहिए, प्रत्येक समाचार पत्र वितरक को स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा का लाभ मिलना चाहिए, आयुष्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए, 60 वर्ष से अधिक आयु के वितरकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वितरकों को शासन से BPL कार्ड की सुविधा मिलनी चाहिए। इस तरह से हमारी 12 मांगे हैं। मोहाली से आए वितरकों ने उनकी परेशानियों को हल करने के लिए एकजुट होकर काम करने की बात कही। आज चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय सत्र की समाचार पत्र विक्रेताओं की मीटिंग कराने के लिए अखिल भारतीय समाचार पत्र विक्रेता संघ के संरक्षक श्री राकेश पांडे जी का हम आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने कुछ वितरकों के विशेष मुद्दों को लेकर जो 12 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया, जिसमें बीमा योजना, आर्थिक विकास और अपने पेंशन योजनाओं के लिए
उन्होंने कुछ मसौदा तैयार किया है, इसके लिए हम राकेश पांडे जी का फिर से शुक्रिया करते हैं। और ये जो हम अपनी आवाज़ सभी सांसदों तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, और जो कानपुर से पांडे जी ने आकर हमारे सहयोग किया है उसके लिए हम उनके लिए फिर से धन्यवाद करते हैं। आपका नाम जी? सर मुकेश सैनी। तो आप मोहाली के समाचार पत्र वितरक हो? जी सर। तो आज जो आपकी ये मीटिंग है, क्यों रखी गई ये मीटिंग, क्या समस्याएं थी आप लोगों की जो आपने ये मीटिंग रखी? हम सारे मतलब वितरक भाइयों की तरफ से सबसे पहली बात है आपको सबको नमस्कार। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी आज तक वितरक भाई जो हमारा इस समाज से जूझ रहा है काम को लेकर, उसकी इनकम को लेकर, और दूसरी तरफ देखा जाए सरकार से हमारी एक ही डिमांड है कि जैसे देख दूसरी संस्थाओं को सबको काम मिला है। मतलब अगर अगर हम देखा जाए तो एक प्रेस करने वाले को एक मिल गया जी अड्डा, मोची को एक स्थायी रूप से जगह मिल चुकी है। हम भी सरकार से यही चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं जाके कोई एक स्थायी जगह मिल जाए जिससे कि एक वितरक उस चीज़ को अपना खर्चा चलाए, परिवार चलाए, मतलब उसी के आधार पर हम सभी वितरक भाई सरकार से एक मुहिम चला रहे हैं। बैठक के दौरान समिति के संचालक राकेश पांडे ने कहा कि वितरकों की मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए आगामी संसद सत्र के दौरान सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में पांडे ने माना अभी तक वितरकों को वह पहचान नहीं मिल पाई है जिसके लिए वह प्रयासरत हैं, लेकिन शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी वितरक संगठनों को जोड़कर प्रयास किया जाएगा। काम तक पहुंचना चाहिए था। हमने जैसे क्या कि कहा? सर जैसे कि मुंबई में डब्बे वाले हैं, पूरे नेशनल लेवल पे वो अपनी पहचान बना चुके हैं, उनका सम्मान होता है, हर बात में उनकी राय ली जाती है कि उनके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में पत्रकार विक्रेता हैं, लेकिन वो अपनी पहचान खो चुके हैं, बना नहीं सके हैं, तो एक तो ये क्या कारण है और इसके लिए क्या किया जा रहा है? हमने आपसे क्या कहा जी? डेढ़ वर्ष पहले तक समाचार पत्र वितरकों की कोई पहचान नहीं थी। 13 वर्ष पूर्व मैंने एक वितरक आवाज नाम से एक अखबार का प्रकाशन शुरू किया, मैं उसका संपादक हूँ। मैंने पूरे देश के वितरक समाज को जोड़ा। आज हम चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं तो चंडीगढ़ के वितरक यूनियन के जो अच्छे काम हैं, मदन शर्मा जी और पंकज भट्ट जी, इनके पूरी देश में चर्चा है। 17 राज्यों तक हमने अपनी पहचान बनाई। हम लोगों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन होता है 27 जनवरी को, जो पिछले साल नागपुर में हुआ था, यहाँ से भी लोग गए थे, और 20 अगस्त को हम लोगों का एक सम्मेलन होता है जो जम्मू कटरा में, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन होता है। 1.5 साल से वितरक समाज की आवाज़ और वितरक समाज की पहचान शासन स्तर तक पहुँचने का ये एक सिलसिला शुरू हुआ है। आपका सवाल सही है कि वितरक समाज की अभी तक कोई पहचान नहीं थी, वितरक समाज का कोई एक सशक्त मंच नहीं था जो राष्ट्रीय स्तर पर हो। अब वो मंच बन गया। अब वो डिब्बे वालों की अपेक्षा वितरक समाज का जो काम है, अखबार वितरक का जो काम है, सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम का कहर बर्दाश्त कर वो घर घर अखबार पहुंचाता है, अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है, वो सारे डिब्बे वाले से ज़्यादा मुस्तैदी का काम है हमारे विचार से, और हमारे ख्याल से आप सब लोग भी इसमें सहमत होंगे जी। थैंक यू सर। वहीं पंचकुला वितरक संघ के अश्वनी कुमार ने संगठित होकर काम करने की बात कही, जबकि चंडीगढ़ समाचार पत्र विक्रेता संघ के अध्यक्ष मदन शर्मा ने घोषणा की जल्द ही सभी वितरकों के हितों के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस अवसर पर मोहाली से देव सिंह, बसंत सिंह, राकेश कुमार इत्यादि शामिल हुए। वहीं पंचकुला से अश्वनी कुमार के साथ राजीव चौहान ने भी शिरकत की। इनके अलावा डीएन तिवारी, पीके शुक्ला, सोहन लाल, काकू सिंह, अमित रोशन, राजू भारद्वाज, सतीश कुमार, मुकेश कुमार सैनी, मोहन कुमार, प्रदीप इत्यादि वितरकों ने बैठक में हिस्सा लिया। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।